हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल गुलदस्ता में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू मटर और मेथी साग की सूखी सब्जी। अगर आपको मेरे रेसिपीज पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिले। तो आइए देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं और इसे बनाने के लिए हमें सामग्री क्या क्या चाहिए। आलू हम 3 बड़े साइज के लिए हैं। इसे छिलकर धोकर साफ कर लिया। इसके अब हमें छोटे टुकड़े कर लेने हैं। 1 गड्ढी ताजी मेथी की साग, इसके पत्ते और इसके मुलायम डंठल भी हमें तोड़ लेने हैं। चुनकर साफ कर लेना है और इसे 2 से 3 बार साफ पानी में धो के निकालना है। साग हमारा धुल चुका है, अब इसे हमें मोटे मोटे काट लेना है। साग हमारा कट चुका है। 2 बड़े साइज की प्याज, इसे बारीक काट लेना है। 2 बड़े साइज के ताजे टमाटर, इसके भी छोटे टुकड़े हमें काट लेने हैं। 1 कटोरा हरा मटर, अदरक लहसुन की पेस्ट। इसके लिए हमें चाहिए कुछ सूखे मसाले, 1.5 टीस्पून, 1.5 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 टीस्पून, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, हरी मिर्च, आप जितना तीखा खाना पसंद करते हो इसे बारीक काट लेना है, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक और 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा छौंक के लिए। तो आइए इसे हम बनाना शुरू करें। सबसे पहले कटे हुए साग को हम कुकर में 1 सीटी लगा देंगे तेज आंच पर। साग को हमें कुकर में डाल के थोड़ा सा पानी डालना है और इसे ढक्कन लगाकर हम इसे तेज आंच पर 1 सीटी लगाएंगे। एक सीटी हमारा लग चुका है, तो इसे अब हम आंच से नीचे उतार लेंगे और यहाँ हम कढ़ाई गर्म होने के लिए रख लेंगे, जिसमें हमें हमारा मेथी का सब्जी तैयार करना है। कुकर का वेट उठाकर इसका स्टीम निकाल लें और साग को हमें छान लेना है। छन्नी पे डाल करके इसका हम पानी निकाल देंगे। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम यहाँ तेल गर्म कर लेंगे। तेल हम सरसों का लिए हैं। अगर आप सरसों का तेल नहीं खाते हो तो दूसरे तेल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में इसका स्वाद बहुत ही अच्छा बनके तैयार होता है। कोशिश करें कि आप भी इसे सरसों के तेल में ही बनाएं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो यहाँ हम साबुत जीरा
और कटी हुई हरी मिर्च डाल करके थोड़ा सा पका लेंगे। फूरन पक चुका है तो यहाँ हम इसमें कटी हुई प्याज ऐड कर लेंगे। प्याज डाल करके हमें तेज आंच पर ही चलाते हुए भूनना है। लेकिन यहाँ एक बात हम बताना चाहेंगे कि अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हो तो फूरन में यहाँ हम कटा हुआ टमाटर डाल लेंगे, उसे भूनेंगे 2 से 4 मिनट और उसके बाद हम यहाँ इसमें के साथ आलू भून लेंगे। लेकिन हम यहाँ प्याज के साथ बना रहे हैं तो प्याज को चलाते हुए हमें भूनना है। आंच पर ही अभी हम इसे चलाते हुए करीब 10 मिनट भूनेंगे। हल्का गोल्डन ब्राउन होना चाहिए हमारा प्याज। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो यहाँ हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसे अब थोड़ी देर हमें भूनना है अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ। अब हम यहाँ इसमें टमाटर मिक्स करेंगे, कटी हुई टमाटर इसे भूनेंगे। तेज आंच पर ही चलाते हुए हमें भूनना है। टमाटर हमारा भून चुका है तो अब हम यहाँ इसमें नमक और हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे। दो मिनट इसे भूनने के बाद हम यहाँ अब इसमें कटी हुई आलू मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करके हम ढककर पकने के लिए रख देंगे और आंच हम यहाँ धीमी कर लेंगे, सिम कर लेंगे और धीमी आंच पर ही आलू को हम पकाएंगे। पाँच मिनट करीब हमारा हो चुका है तो यहाँ हम एक बार और ढक्कन हटा कर देख लेंगे और आलू को अच्छे से चला देंगे। आलू जब तक हमारा पकेगा तब तक हमें ढक करके पकाना है। करीब 3 मिनट हमारा हो चुका है ढक करके पकाते हुए तो यहाँ पर फिर से हम ढक्कन हटा करके और इसे एक बार अच्छे से चला देना है और फिर इसे ढक करके 5 मिनट हम अभी पकाएंगे। 5 मिनट करीब हो चुका है हमारा तो हम देख लेंगे कि आलू हमारा पकाया नहीं, इस तरह से चेक कर लें। आलू के पकने तक हमें इसे ढक करके और बीच बीच में ढक्कन हटा करके चेक करते हुए पकाना है। आलू हमारा पक चुका है तो अब हम यहाँ इसमें हरी मटर और सूखा मसाला ऐड करेंगे।
1.5 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर, एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। और मीडियम आंच पर ढक करके अभी इसे 4 से 5 मिनट हमें पकाना है, ताकि हमारा मसाला मटर और टमाटर सभी एक साथ अच्छे से पक जाए। चार मिनट करीब हो चुका है, तो अब हम चेक कर लेंगे फिर से कि आलू हमारा पूरी तरह से पक चुका है या नहीं। आलू मटर हमारा पक चुका है, तो अब हम यहाँ उबली हुई मेथी की साग मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे तेज आंच पर 4 से 5 मिनट चलाते हुए भूनेंगे। अब हम यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर लेंगे और इसे तेज आंच पर ही हमें चलाते हुए भूनना है। पाँच मिनट करीब हमारा भूनते हुए हो चुका है, तो हमारी भुनी हुई आलू मेथी और मटर की सब्जी तैयार है। तो यहाँ गैस हम बंद कर लेंगे और इसे गर्मा गर्म ही हम परोसेंगे। ये देखने में जितना ही खूबसूरत इसका कलर आया है, इतना ही खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है। तो आप भी इसे ज़रूर बनाएं और खाएं। मुझे उम्मीद है आपको ये टेस्ट ज़रूर पसंद आएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए स्वाद के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।